2023 वह बिल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समर्थन में मैं इसमें खड़ा हुआ हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब को, गहलोत साहब को, जिन्हें बड़ी संजीदगी के साथ में इस बिल का अध्ययन करते हुए इसको पेश किया है। मैडम, क्योंकि बड़े बड़े राज्य हैं, मेरा नंबर बाद में है, लेकिन मेरा निवेदन, दो मिनट मुझे बोलने का मौका दें। काका कल केलकर की मीटिंग का सबने जिक्र की है, उस टाइम नाना साहब ने उनको तय किया था आयोग का कमीशन, और 1955 में उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था 2100 जातियां इस प्रकार की जो ओबीसी के अंदर आती है, 2100 जातियों में उन्होंने कहा था 869 जातियां वो है जो अति पिछड़ा वर्ग की जाति आती है, और 1955 में पेश की रिपोर्ट को नाना साहब ने गद्दी की टोकरी में फेंक दिया था जी। आपने कहा था नाम नहीं लेना, इसलिए मैं कहना चाहता हूं जी। तो इसीलिए मैडम, उसको टोकरी में जाने के बाद 1900 मंडल आयोग आया था, वीपी सिंह जी सरकार थी, वीपी सिंह जी सरकार के टाइम अगर मंडल आयोग लागू हुआ तो अडवाणी जी के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चलती रही। मंदिर के इशू पर उनको कहा था तुम भारत के बहुत सके समाज का अपमान करोगे तो सरकार चलने वाली नहीं है, तब वो सरकार गिरी थी। इसलिए 1993 में एक लॉलीपॉप देने का काम कर दिया, एक मंत्रालय में कमेटी बनाकर, और कहा कि आप ओबीसी के संबंध से लोगों की समस्याएं तो सुनोगे लेकिन उनका निवारण करने का अधिकार आपका नहीं है। मैडम, सबका साथ सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कहा है कि जिस सब समुदाय, मैडम एक मिनट, जिस सब समुदाय के लोगों ने, सब समुदाय के लोगों ने वोट देकर उन्हें प्रधानमंत्री बनने का विकास होना चाहिए। मैडम, मैं उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी पार्टी की तरफ से था, वहां की अगर मैं जातियां गिनवाऊंगा मैडम आपको, अभी मेरे से पूर्व में बैठ रहे थे धर्मेंद्र जी, बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे थे। विकास एक परिवार का हुआ है, ओबीसी समाज का नहीं हुआ, एक परिवार का विकास हुआ है केवल। मैडम, धीमर, कोवट, कुमार, प्रजापति, गोला, लोधी, किसान, बिंद, निषाद, कश्यप, मल्ला, पुरा, माझी, मछरा, मौर्या, साक्य, सैनी, माली, काची, मुराद, कुशवा, धोबी, राजभर, नाई, पाल, गडरिया, बघेल, धनकर, विश्वकर्मा, बड़ई, लोहार, भुर्जी, खड़गवंशी, खंगर, चौरसिया, तनमाड़ी, तबौली, तेली, जैसल, मैडम ये हलवाई, सिवरे, गुजर, लोनिया, चौन, मैडम चिकन, चिकना, दर्जी, गिरी, बंजारा, बैरागी, बारी, मनियार, कटोरा, लोहारा, सपेरा, ताम्रकार, पटवा, यादव, जाट, साहू, ये सब समाज का क्या हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसे मैडम प्लीज, मैडम बहुत सेंसिटिव विषय है मैडम, आज मैडम लोगों ने, मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ एक उदाहरण देने के बाद, इन कांग्रेस ने और जो एक नारा दिया था समाजवादी के नाम का, सुन लीजिए आप लोग तो वैसी, थैंक यू, सुन लीजिए मैडम, जो एक नारा दिया था, जो नारा दिया था मैडम, उस नारे में बड़ा स्पष्ट था, नारा आया था मैं समाजवादियों की तरफ से, उस समाजवादियों के नारे ने क्या बढ़िया काम की, संपूर्ण क्रांति की बात की थी, संपूर्ण क्रांति में बिहार में 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने वाले उपज गए, संपूर्ण क्रांति में एक बेटी दलित की बेटी उपज गई, किसका विकास हुआ, क्या एक परिवार का विकास हुआ, लेकिन बिहार के पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग का विकास नहीं हुआ है। सबका साथ सबका विकास में क्रीमी लेयर के अंदर, मैडम मैं कहना चाहता हूँ क्रीमी लेयर के अंदर, मैं गुजर समाज से आता हूँ मैडम, हिमाचल के अंदर शांता प्रकाश जी मुख्यमंत्री थे तब वहाँ के गुजरों को आरक्षण मिला, उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब वहाँ के गुजरों को आरक्षण मिला, और जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा एक वफादार जाति है, उनको अगर आरक्षण मिला बीपी सिंह की सरकार में तो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के आग्रह पर वो डेलीगेशन मिला था। एक दूर दिन कटारिया होते थे मैडम, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होता था, मैं उनको लेकर अडवाणी जी के घर पे मैडम, और वहां के दूसरों का आरक्षण मिला तो उस टाइम में मिला। मैं पूछ रहा था उच्चा तो कांग्रेस के लोगों से कि मैडम अगर ये बात करते दुहाई देते हैं, अगर उस समाज के उत्थान की बात करते हैं मैडम, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा देने वाली कांग्रेस, पूछना चाहता हूँ एक केवल उदाहरण देना चाहता हूँ, इनकी स्थिति ऐसी रही है उस परिवार की जो जेल जो पूर्व जेल मुख्यमंत्री है उसके बारे में बताना चाहता हूँ मैडम, एक मिनट में केवल, रेलवे के अंदर उनकी स्थिति रही है जाति के, वो भी एक एक तीस सेकंड में जो इनकी जाति के लोग हैं जो ओबीसी के नाम पर रोटियां सेकते रहे मैडम,